भाई जुनेद जमशेद और मिशेल मुमताज़ की जो इवेक्शन है ना वो होते होते रह गई और बाल बाल बच गए कन्नो से रहे हैं ना कन्नो कन्नों से उमर आलम को आमद हुई कि यार बचा लेता हूँ और बचा लिया वो ले बार बार अगर पहले टाई नहीं हुआ होता ना तो फिर निकल चुके होते हैं या कोई ना एक वो टाई हुआ फिर दोबारा दु, दु, आते हैं तो दोबारा फिर उनके दो दो से पूछा तो वो एक उनको डिसीजन ले आता उनका जो था वो डिसाइड करना था कि भाई आप लोग जो लेंगे उससे पहले वो मान गए कि वो नादिया कहती है कि नहीं उन्होंने बोला ना भाई नादिया जो बोले उसके ऊपर क्योंकि पिछली दफा मैंने डिसीजन लिया था थिंकिंग सही थी वो कह रही थी कि यार अपना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को निकालना ठीक है जो कि मुझे लगता है कि यार फेयर एस एच नहीं होता गेम में क्योंकि अगर अच्छा खेल रहा है उसको टिकना चाहिए जो नहीं खेल रहा है उसको निकलना चाहिए असद मेजबा जो है वो पिछली बार भी आपको पता है वो नॉमिनेशन में थे वो उनको टिकट वो निकाला उसके अंदर लिखा था नो एलिमिनेशन में वो जा चुके थे पिछले में इस बार भी वो आए जीरो पॉइंट्स के साथ तो कोई उनमें इम्प्रोवमेंट नहीं उनके गेम में इम्प्रोवमेंट नहीं उनके एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट नहीं तो ऑब्वियसली साफ साफ बनता वही था कि भाई असद मिसबा आप जाओ तो ये तो था, था सही। ये तो सही लेकिन अगर जुनेद और मिशन निकलते वो गलत होता तो बात वही है कि अगर आप एलिमिनेशन छोड़ोगे कंटेस्टेंट के बीच में तो सब यही करेंगे स्ट्रॉगेस्ट को निकालेंगे ताकि गेम ईजी हो उनके लिए अच्छा एक चीज़ बड़ी हमने पिछली दफ़ा क्रिटिसाइज़ की थी कि अचानक से ये कंपटीशन शुरू होता है और बस शुरू हो जाता है और हम सोचो तो ये क्या हुआ है लेकिन फिर जब हम एपिसोड थ्री और फोर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ यार इस बार जो है शुरू में खाना पीना दिखाया है मेरे ख्याल से इन्होंने शायद बाद में फिर से एडिट करके उसको सही किया क्योंकि बहुत ही एब्रप्ट एपिसोड थे सारे और अब थोड़ा सा ये लोग जो है दिखा रहे हैं थाईलैंड की खूबसूरती में, तो में शूट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट करते हुए दिखा रहे हैं खाना खा रहे हैं उसके अंदर भी कोई भीरोल्स नहीं थे जो कि मोबाइल फोन से बनाए हुए ऐसे लग रहा कोई था आपकी कोई जो पूरा जिस आप आईलैंड पे या जहाँ पे भी हैं वो चीज़ देखे वो नहीं दिखा मुझे मुझे बस वो दिखा खाना खा रहे हैं चलो थोड़ा सा इंट्रैक्शन हो गया आलू कोई आलू, आलू आलू खा लिया और साथ में अलग कोई कॉम्बिनेशन बना लिया स्पैगेटी के साथ बेहतर था जो फर्स्ट सेकंड एपिसोड में उन्होंने किया वना तो बहुत ऐसा होता था कि एपिसोड शुरू हुआ है ऐसा लगता था कि अभी किसी ब्रेक से शायद आए क्योंकि वो आते ही बोलना शुरू हुआ चीज़ शुरू हुआ और गेम शुरू हुआ हो जाता था अच्छा गेम का आगाज़ होता है और सबसे पहली गेम ये होती है कि आपने जेटी एक बनाई हुई है समंदर के बीचों बीच और वहाँ से आपने अपे भागना है दो दो बॉल लटकी हुई है बहुत सारी बॉलें उसमें दो बॉलें कैच करनी है समंदर में गिरना है वापस जाना है जेटी पे और उसको अपनी बास्केट में डालना फिर आपका पार्टनर भागेगा तो वही फ़र्स्ट एपिसोड में जो हुआ था कि यार उसमें दिखाया नहीं था कि वो ऐसे ही एपिसोड शुरू हो जाता था बीच से और यही होता था और इसमें हमने देखा कि उन्होंने फिर भी लेकिन थाईलैंड की ब्यूटी नहीं दिखाई बस ये था कि खाना पीना उनको दिखाया है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वो क्या बोल रहे क्या? क्या हाँ तो, तो 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 में भी ये था आ? कि एपिसोड बीच से शुरू उसमें आ? कोई थाईलैंड नहीं है इसमें थाईलैंड दिखाया आ? लेकिन कोई थाईलैंड की कोई आइलैंड यहाँ पे वो नहीं दिखाया आपने खाना पीना करते हुए दिखा दिया ब्रेकफास्ट करते हुए दिखा दिया उन्हें ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अब इसका जवाब होना चाहिए कि गेम में फिर क्या हुआ नहीं तो मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ बातें नहीं मैं बातें रिपीट नहीं कर रहा हूँ रिपीट कर रहा था तो मैं कह रहा हूँ तो ये लोग भी यही तो कर रहे हैं अबे यार सीजन वन के अंदर ये सारे गेम अभी तक जो भी हुए ना एपिसोड थ्री में भी एपिसोड वन में भी एपिसोड टू में भी एपिसोड फोर में भी सब में जो गेम है वो सारे हो चुके हैं भाई कुछ नया नहीं, नहीं है कुछ नया नहीं, नहीं है और वही गलतियाँ हैं ये ब्रांड मैनेजर की जो है ना वो एक ख्वाहिश थी कि मैं थाईलैंड घूमने जाऊँ और वो थाईलैंड घूमने गए सीजन मतलब जो पहले में गलतियाँ थी वही थी अब आप पहला गेम स्टार्ट करें एपिसोड थ्री के अंदर जो होता है जिसके अंदर वो बॉल स्कैच करनी है यार वो आप उमर और नादिया और दूसरी तरफ थे आपके ईमान और वसीम उमर और नादिया ने अपना किया ईमान और वसीम की ईमान और वसीम ईमान और वसीम ईमान हाँ। और वसीम की बास्केट भी उमर और उनके पास रखी हुई तो उनको उसके पास जाना था अपनी बॉल फेंकने के लिए जो कि उनके लिए दूर हो गया ऑब्वियसली और उमर और नादिया के लिए करीब हो गया तो वो एक एक सेकंड में मैटर करता है वो मैटर करता है जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनके टाइम थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ होगा बाकी फिर उन्होंने सही किया कि बाकी जो उसके बाद सारे कंटेस्टेंट हैं उसके बाद उनके पास बास्केट रख दी लेकिन शुरू में उन्होंने वो बास्केट उनसे दूर रखी हुई जो कि मेरे ख्याल से अनफेयर था यार एक डिसएडवांटेज है एक चीज़ तो वैसे ही मुझे कैमरे पे एक एक और गेम की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिस पे आपने रोप का नॉट पकड़ के और पीछे स्लाइड डाउन करना था उस पर भी मुझे लग रहा था कि जो डिस्टेंस है जो रॉड से लेकर नॉट तक का मुझे लग रहा था लग रहा था और एक कंटेस्टेंट ने इसका आवाज़ भी उठाया लेकिन शुैब मलिक कह रहा है कि मैंने पर्सनली चेक किया है भाई तूने पर्सनली कैसे चेक किया दिख रहा है आँखों से भाई कि नॉट्स में डिफरेंस है ये शुब मलिक का शो है तो वो कुछ भी कर सकता है मैं यहाँ का जयकान शीख रहे हूँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो रिपीट पानी, पानी में भी जो बड़े कॉमेडियाँ हो रही थी उसमें भी फ़नी चीज़ें हो रही थी कि बेचारे जिसको स्विमिंग नहीं आती है हुँ. या फिर एक पानी जो एकदम से स्प्लैश आता था मुँह पे प्रेशर आता था तो टोपी किसी के मुंह पे आ जाती थी किसी के बॉल इधर उधर चले जाते थे लेकिन ये कि देखा देखी में जो है ना सब ने लर्न बहुत किया सबसे पहला जो जाता है ना वो समझ लो कि उसको देख के आप लर्न करते हो सेकंड अच्छा हाँ। में 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 से हाँ। उसमें, हाँ। वो सबसे पहले कहते सबसे पहले पहले हाँ। थे असद और आपको पता हाँ। है असद का टाइम थोड़ा कम हुआ वो क्यों आप उन्होंने गलती अपनी बताई वो उसको बाद में किसी ने बोला कि भाई जाओ तो सही तुम्हारी बारी है वो भी लेकिन उसके बाद वो लास्ट भी आते है ये अपनी गलती करते बताते मैं कि उन्होंने गलती क्या की कि होनी नहीं चाहिए वो कहते हैं कि मैं बॉल्स पकड़ने चला गया वो <laughs> कहते हैं मुझे थ्रेड पकड़नी चाहिए थी पर मैं बॉल्स <laughs> बॉल्स बॉल्स पकड़ने चला गया तो भाई गेम खेलें इवन पानी में भी बहुत सारे लोग जो बॉल्स गिर रही थी तो वो फिर उनको ये पता लगा यार बॉल पकड़ना नहीं चाहिए था थ्रेट से पकड़ते वो हाथ में अच्छी गिर पाती हाँ। तो अक्सर लोग जो है वो ये भी बॉल्स करते वैसे भी बॉल्स पकड़नी नहीं चाहिए हाँ। यार आप थ्रेट पकड़ो बॉल्स हाँ। पकड़ोगे तो फायदा नहीं है दूसरा दूसरी तरफ आपका आता है ये जुनेद मिशेल का जुनेद कहता है कि मैंने मिशेल को बोला कि पहले तुम जाओ क्या अगर कोई स्विमिंग नहीं आती स्विमिंग नहीं आती कोई बढ़ना तो मैं कवर कर तो मिशेल का तो चलो वो फिर भी उसने कह लिया जुनेद भाई से तो बॉल्स ही नहीं बॉल्स ही नहीं पकड़ी गई और वो जिस रफ्तार से भागा है ना पेस लिया है जुनेद ने एकदम अग्रेसिव मतलब यार ये चार बॉल पकड़ लेगा भागा भागा हाथ भी नहीं हाथों नीचे से जम कर रहा था बेटा यहाँ से जम नहीं करना है वापस जेटी पे आओ भागो पकड़ो और वापस आओ बिल्कुल फिर वो चढ़ा जुनेद भाई उनके भी बोलते हैं हाथ में कवर कर लूंगा तो उसके बाद वाली गेम की तरफ चलते हैं और ये नॉर की गेम है जिसका मैजिक ही और है स्पॉन्सर हमें नहीं मिला हुआ लेकिन हम फिर भी पता नहीं क्यों उ टैग लाइन उसकी दोहार है शेब मलिक ने हमारे ना दिमाग में डाल दिया हाँ दूसरा मुझे एक एक होता है मैं एपिसोड देख रहा मैंने कहा स्लो है मैंने कहा स्पीड बढ़ा फिर मैं देखा मैं ऑलरेडी वन पॉइंट फाइव स्पीड में देख रहा हूँ <laughs> फिर भी स्लो है मैंने क्या कह मैंने टू टाइम्स पे किया अच्छा एक तो सोयल तनवीर पर जो है ना मुझे बड़ा कभी कभी अफसोस होता है कि ज़्यादातर जो गेम्स हैं वो उनकी हाइट जितनी लंबी है उसको फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं करती गेम क्योंकि जैसे ये नॉट वाली गेम भी थी वो ये कह रहे थे कि भाई मेरे हाथ लंबे हैं तो मेरा बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है तो मुझे प्रेशर ज़्यादा आता है इस तरह से पिछली गेम में भी जाए तो ये कह रहे थे कि यार मेरी हाइट लंबी है तो मेरा एक डिसएडवांटेज है कि भाई मुझे जो है वो सही से गेम खेलने का मौका नहीं मिल रहा सोईल के साथ जो है ना बड़ा ना इंसाफी हो रही है लेकिन वो थोड़ा बहुत आज जो है ना सेफ भी होगा जीते भी हाँ ये ये हो तो ऑबियसली एडवांटेज भी होगा डिसएडवांटेज भी होगा अब जैसे लास्ट टाइम में मुझे याद है कि सही अनवर थे सही अनवर के यहाँ पे ऑब्वियसली उनकी इंजरी वगैरह थी तो उतना यूज़ नहीं कर पाते थे अपना शोल्डर या कुछ तो वो इस टाइप की जो एक्सरसाइज होती थी या टास्क होते थे उसके अंदर उनके लिए बड़ा मुश्किल होती है क्योंकि ऑब्वियसली दोनों हाथ की आपकी स्ट्रेंथ चाहिए उनका एक हाथ ऑब्वियसली वो वीक है तो वो उनके लिए भी होता था अब कोई टास्क उनका फेवर करता था कोई नहीं करता था तो ये वाले तो इशू होते हैं सबको होता है यार किसी को फेवर करेगा किसी को करेगा आप बाकी भी देख लो ना कोई मॉडल्स हैं उनके टास्क सारे वो हैं अपने स्ट्रेंथ वाले हैं ज़्यादातर तो मॉडल हैं ब्लॉगर हैं उनके लिए ऑब्वियसली मुश्किल है लेकिन टास्क टास्क किसी को फ़ेवर करेगा किसी को नहीं करेगा ये तो है और अगर एपिसोड फोर की बात करें तो एपिसोड थ्री और फोर दोनों में जो ना उमर आलम बड़े वोकल मुझे नज़र आया और मुझे उनमें एक नया होस्ट नज़र आ रहा है और जो कि आगे कोई इनशाला कोई प्रोग्राम भी होस्ट कर सकते हैं उनमें वो एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं सारी जिस तरीके से वो जो कराउंड कर रहे होते हैं और वोकल होते हैं तो इस एपिसोड में भी और पिछले एपिसोड में भी वो सबसे ज़्यादा बोलते हुए नज़र आए और बाकी प्लेयर्स इतना नहीं बोल रहे थे लेकिन वो है ना वही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं उनकी फील्ड ऐसी है और इनको बोलना आना चाहिए भी वो बोलते हैं भी तो ये बाकी सारे क्रिकेटर्स हैं वैसे ही कम वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा वो अपना करते हैं ये चक्कर तो है लेकिन ये कि और नादिया दोनों ने ही बड़ा अच्छा पूरे दो एपिसोड में खेला और चार टास्क में से तीन में वो फर्स्ट आए और एक में वो जो चौथा था उसके अंदर वो फोर्थ है वो भी ऐसा था वो लक के ऊपर था क्योंकि उसमें आपको जो वो चीज़ कार्ड ढूंढना आपको नहीं पता स्ट्रेंथ का होता है किसी और चीज़ का होता है ख्याल से कुछ रिजल्ट अलग होते जैसे यासर की बड़ी यासर लगती। समझ नहीं आया में, लग के है यार आपने बस है? कोई निकाल लिया कोई आपकी स्ट्रेटेजी उसके अंदर हो नहीं सकती नहीं। कोई आप उसके अंदर कुछ और कर नहीं सकते लक के ऊपर आपने जो चूज़ किया वो उसमें निकल आया तो निकल आया मतलब भागा है बंदा सबसे पहले और जिस जगह भागा है क्या लक है यार ऐसी लक लक की लग आप देख रहे रहे हैं ना पता मतलब नहीं कह तो उन्होंने तोड़ के बना बनाए <laughs> बनाए जाने बनाये जाने ये कैसल बनाने में ज्यादा मजा आ रहा था वो चीते हो गए थे उसके पार्टर के मतलब और आया ना है उनको कैसल बनाना आ गया क्या कैसे बनाना है ये तो उनके परफेक्ट हो गया शुरू में तो किसी से बन भी नहीं रहा था इसलिए उनको बाल्टी दी गई थी कि भाई पानी इस्तेमाल करो क्योंकि बहुत ड्राई सैंड हो रही थी कुछ लोगों ने पानी लिया फिर बनाया और फिर चीज बनती चली गई बिल्कुल और कुछ लोगों का बैड लग था कि उनको कार्ड मिले ही नहीं मिले ही नहीं जितने उन्होंने बना लिए जैसे अब्दुल रजाक हैं और एक गेम और थी जिसमें बड़ा ही जो है ना डैमेज हुआ है लड़कियों को हाँ। बहुत बुरी तरह से घिरी है जिसमें आपने एक पाथ पे ऊपर जाके बाल्टी पे पानी भरना था एक ने थ्रो करना था आपके पास आपने कलेक्ट करके उसको ऊपर पहनना था जिसमें पहले बड़े स्मार्ट होते हैं शुब मलिक कहते हैं कि होल्स वाली बास्केट है सारी क्या आप भरोगे इसमें गिरता रहेगा कहते हैं लेकिन फिर भी बैलेंस होगा यार कैसे नहीं हो सकता कहते नहीं होगा ये वो समझ रहे हो वो एक 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 कंटेंट का टाइम बढ़ाने के लिए ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी थी क्योंकि उनको पता था कि किसी से नहीं होगा मुझे जो लगा ना वो इसी लगा कि लास्ट टाइम क्या हुआ था इस टाइप के टास्क के अंदर बाल्टी टूट गई थी अब हाँ। वो लीक हो रही है एक की लीक हो रही है बाकी सबकी सही है तो वो गेम लेकिन चलता रहा अब वो कुछ कर नहीं सकते उससे तो उन्होंने इस बार क्या किया उन्होंने सब में होल्स कर दिए ताकि वो कंप्लेन नहीं होता कि ये ना हो कि एक की लीक हो रही है सबकी लीक हो रही है बेटा भर लो जो उनके बैकफायर करके उन्होंने बोला पहले मुझे यही लग रहा था कि यार होल्स वाली बास्केट जो है वो आपने जो लगा दी है ऊपर बैलेंसिंग पे तो वो तो नहीं। कभी नहीं भरेगी नहीं भरेगी फिर मुझे ये भी थे। बहुत ज्यादा होल्स है जिस रफ्तार से पानी गिर रहा था एक बंदा पानी जाता है पे फेंकता है ऊपर फे बंदा चढ़ता है उस पर भरता है कब तक तो कब निकल ही जाएगा ऐसा तो नहीं है ना कि एक होल था आ, कि ड्रिपलिंग हो रही है हल्की फुल्की सी तो आपका बैलेंस हो जाए तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया ये सो, एक सोची समझी सी जो एक स्ट्रैटेजी थी इनकी कि थोड़ा कॉन्टेंट तो मिले वरना तो आप देखें कि जैसे ही उन्होंने कहा कि अब होल्स वाली बाल्टी से जो है वो पानी फेंका जाएगा और विदाउट होल में पानी भरा जाएगा फ़ौरन से गेम कंप्लीट हो गई अगर ये टास्क पहले से हो जाता तो मेरे ख्याल से इतना कंटेंट होता नहीं इनके पास आज शूट करने के लिए कुछ। लेकिन मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों कि किसी की मैं ज़्यादा होल होल्द किसी का मैं किसी की बहुत तेजी हो तो, जा रहा था किसी में वो तो स्टैंडर्डाइजेशन तो हो गया था तो मुझे समझ नहीं आया था मुझे लगता है कि यार लैक करती है ये चीज़ें जो कि प्रोडक्शन क्वालिटी में जिसकी वजह से नुकसान मेरे ख्याल से वो फेयर नहीं होते डिसीजन तो ये वाला चक्कर तो है

कुछ तो बेहतर करो कुछ तो नया ला रहे हो कुछ नया तो लाओ ना क्रिएटिविटी मेरे ख्याल से नहीं है मतलब आप पूरे एपिसोड में देख रहे हो कोई क्रिएटिविटी मुझे नहीं नजर आती कि यार चलो कुछ हो था, हुआ टास्क हुआ खत्म हुआ टास्क में भी मसले हैं टास्क में भी भंडे हैं एंड में एलिमिनेशन पे आओ तो उसके अंदर भी मसले होते हैं पता नहीं है किस तरीके से क्या एलिमिनेशन करनी है फेयर बंदा जो है वो बाहर जाने के लिए तो रेडी होने लगता है अनफेयर जो है वो बच जाता है थोड़ा सा अजीब सा सीन है लेकिन शोए मलिक का गेम शो है और ऐसे ही चलता रहेगा हाँ जब भी हमने भी डिसाइड किया हमने बोला कि हम एक, एक एपिसोड को क्या करें हम दो <laughs> कंबाइन करते हैं क्योंकि एक में तो कुछ ऐसा सच है ही नहीं आप और क्या दो में भी ऐसा कुछ था नहीं हमने बोला शायद <laughs> दो में जो लो आपको एटलीस्ट कुछ मिल जाए लेकिन कुछ भी नहीं था सेम वही चीज़ है वही बात है थाईलैंड दिखा दिए थाईलैंड भी पूरा नहीं दिखा दिखाया दिखाया और जो है ना बस इस पहले एपिसोड में ब्रेकफास्ट करते हुए दिखा दिया थाईलैंड की कोई ब्यूटी आ, नहीं थी स्पैगेटी और आलू दिखा दिए हमें हम खुश हो गए वही वाली बात है कि भाई अपना एपिसोड शुरू होता है बीच से शुरू हो जाता है और कोई पुरानी बात नहीं कर रहे होते मतलब इसके अंदर होता है कि एपिसोड एकदम से स्टार्ट हो जाता है ना अब उन्होंने वो कह दिया कि थाईलैंड तो दिखाया लेकिन थाईलैंड की ब्यूटी नहीं दिखाई ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाई रही है कर रहा है तो दोस्तों ये हमारा एपिसोड था आज का उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा जैसे जैसे एपिसोड आते जाएंगे कंबाइन करके आपके सामने रिव्यू पेश करते रहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें बाय बाय